दोस्तों, अगर आपके पास ये पुराना सिलेंडर है 4 केजी या फिर 5 केजी का इस साइज का, तो फिर आप इसे आसानी से कोयला चूल्हा बना सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बनाएंगे कोयला चूल्हा। अगर आपके पास नोजल खोलने के लिए रिंच है तो फिर सही है, नहीं तो फिर आप छेनी थोड़े से उसको तोड़ भी सकते हो, और नहीं तो फिर इस तरह से प्रेस करके गैस पूरा निकाल सकते हो। दोस्तों, ऐसे भी जो पुराना सिलेंडर है उसमें तो गैस बचा हुआ होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस तरह से प्रेस करके अच्छे से गैस निकाल लेना, उसके बाद ही कटिंग करना। दोस्तों, एक जरूरी बात ये कि जब आप सिलेंडर कट करोगे तो घर से काफ़ी दूर करो, या फिर घर के आसपास अगर कर रहे हो तो पूछ लो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होती है, खास करके बच्चे, बुजुर्ग और लेडीज से। उसके बाद ही अपना काम शुरू करें। और हाँ, सेफ्टी फर्स्ट। दोस्तों, अगर आप गॉगल्स और ग्लव्स पहन लोगे तो ज़्यादा बेहतर है कटिंग करने के समय। और पास में पानी और बालू बाल्टी में भर के जरूर रखो, काम पड़ सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्या पता उनके पास भी पुराना सिलेंडर हो और वो भी इससे कोयला चूल्हा बना के इसमें लिट्टी, बिहारी लिट्टी बना बना के खाएं। दोस्तों, आप वीडियो देखते रहिए कि किस तरह से एक पुराने जो कबाड़ में फेंका हुआ था पुराना गैस सिलेंडर, उससे कोयला चूल्हा कैसे बनता है। दोस्तों, इतना काम होने के बाद जो खुरदरे सरफेस हैं उसको ग्राइंडर से हल्का हल्का चिकना कर लेंगे। अगर आपके पास फाइल है तो आप उसका यूज भी कर सकते हो। उसके बाद सिलेंडर को अच्छे से धो लें, साफ कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, सिलेंडर में छेद करने से बेहतर यही है रिंग बना लें, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा पुराने जो कोयले चूल्हे होंगे, जो जो बाल्टी में बना हुआ होता है उसमें छेद करके रॉड घुसा देते हैं, तो होता क्या है कि पुराना होते होते वो वहाँ से टूट जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप रिंग बना लें तो ज़्यादा टिकाऊ, मजबूत रहेगा।
दोस्तों अगर टेंडिंग पेंडिंग करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, लिपाई और पोताई तो होता रहेगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।